बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी, और गुड इवनिंग इंडिया की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरे और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे सबसे खास हमारे युवा साथियों की। आउट ऑफ थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जब बात आती है तो युवाओं के बारे में ही हम सोचते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट AICTE ने एक 3 साल पहले शुरुआत की थी एक इवेंट की, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की। एक बहुत बड़ा स्वरूप वो ले चुका है, विश्व का सबसे बड़ा हैकाथॉन इवेंट है। आज से उसका हार्डवेयर संस्करण शुरू हो चुका है, और स्टूडियो में हम बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया हुआ है प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी का, चेयरमैन AICTE। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहने में बड़ा फख्र महसूस होता है कि पिछले 4-5 वर्षों में जो तकनीकी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वो प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे की विचारधारा, टीम बिल्डिंग, और जिस तरह से इनोवेटिव वे में उन्होंने शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाए हैं, आप ही उसके जनक हैं। स्वागत है। नमस्कार। और इनोवेशन के जो मार्गदर्शक हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित गंभीर, आप डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इनोवेशन सेल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हमने सर शुरुआत में प्रोग्राम की कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की यात्रा बहुत बड़ी हो गई है, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत 3 साल पहले 2017 में पहली बार शुरू की। उस समय पे हमको ये पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी ये संभावना हो सकती है, लेकिन हमने सोचा था कि हमारी सोच जो है कि इनोवेशन के लिए और नया आवर्तन लाने के लिए कुछ तो कुछ देश के लिए करना चाहिए, तो उससे हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत की। पहले साल में हमने सिर्फ डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को दिया था, सॉफ्टवेयर बेस्ड था, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और हमारे जो मोबाइल ऐप्स होते हैं ऐसे, और उसमें भी हमको काफ़ी पहले बार ही सफलता मिली। 40,000 के ऊपर छात्रों ने हिस्सा लिया, तो उसका जब हमको रिजल्ट मिला, रिस्पॉन्स मिला, तो हमारी भी एनर्जी जो होती है, जोश हमारा भी बढ़ गया, और अगले साल में 1 लाख के ऊपर छात्रों ने भाग लिया, और इस साल तो हमारे पास थर्ड एडिशन में 2,10,000 के ऊपर छात्रों ने भाग लिया। पिछले साल जो दूसरा हमारा आवर्तन था, तो उसमें हमने हार्डवेयर हैकाथॉन का भी इंट्रोडक्शन किया, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, और उसमें 10 सेंटर्स हमने चुने थे, तो उसका भी नतीजा अच्छा निकला, तो उसके वजह से हमने थर्ड एडिशन में इसको और भी ज़्यादा करने की सोच ली थी, और उस तरफ से हमने इस बार का सॉफ्टवेयर एडिशन भी बहुत सक्सेसफुली हो गया है, और हार्डवेयर एडिशन में भी अब हमको काफ़ी सफलता मिल रही है। यानी कि युवा वर्ग की जो क्रिएटिविटी है, टेक्निकल स्किल्स है, उनके पास जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के जरिए वो जो लो कॉस्ट या नो कॉस्ट सॉल्यूशंस जो सामने लेके आते हैं, जिसे हम हंसी मजाक में प्रोजेक्ट कहते हैं, वो दरअसल में एक बड़ा स्वरूप एक इंडस्ट्री का ले सकते हैं, वो एक उसको चैनलाइज करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सामने आ चुका है। डॉक्टर मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार यानी कि आज से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो अगले 5 दिन तक चलेगा, उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितनी टीमें हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज की प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें विद्यार्थी अटेम्प्ट कर रहे हैं। जी पुनी जी, पहले तो मैं बताऊं, जैसे प्रोफेसर अनिल जी ने कहा, ये इतना बड़ा आयाम बन चुका है पूरे देश भर में कि हर बच्चा बहुत ज़्यादा इस समय उम्मीदों से देखता है, और हम बोले तो इस समय 11,000 से ऊपर बच्चों ने अपना नाम रजिस्टर कराया, हमने उन्हें 2 अलग अलग चरणों में उसके बाद हम उनको निकाल कर लेकर आए, और आज से जो मैं बोलता हूँ तकनीकी मेला जैसे शुरू हुआ, तो उसमें 250 से ज़्यादा टीम्स हैं, 1500 से 1700 के करीब बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, देश भर के 18 केंद्र हैं, नोडल सेंटर, जिसमें हमारे IIT NIT बहुत टॉप के अलग अलग कॉलेजेस, वो सब वहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा कंपनीज हैं, 9-10 मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरा इन 5 दिनों में मिलकर के काम करेगा जी, और नए भारत के निर्माण के लिए, युवा भारत के निर्माण के लिए कुछ सॉल्यूशंस की बात निकल के आएगी जी। यानी आइडिया टू स्टार्टअप की हम बात करें, कि जो बच्चों से जो हमें आइडिया, जो नन्हे कदमों ने, नन्हे हाथों ने जो चीज़ें बनाई, और जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप के तौर पर इसे ले जाया जाए, ना केवल एक प्रोजेक्ट लिया जाए, ना केवल प्रतियोगिता हो, ये इसके अलग अलग चरण किस तरह से हैं, प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे आपसे जानना चाहेंगे।
तो ये आइडिया टू प्रोडक्ट एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो आइडिया कई बार हमारे पास आती है, वो उसके ऊपर हम थोड़ा काम करते हैं, कई आइडियाज़ उसी जगह में फेल हो जाती है, तो कुछ आइडियाज़ आगे बढ़ती है। और ये आइडिया और इनोवेशन जो दोनों हैं एक साथ साथ में, जब उसके ऊपर ज़्यादा बेहतरीन काम शुरू हो जाता है तो प्रोटोटाइप पहले बनता है। तो प्रोटोटाइपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब प्रोटोटाइप बनता है तो उसके ऊपर टेस्टिंग होता है। तो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है या जो भी प्रोटोटाइप बना है, ये तो फाइनली लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, देन फ्रॉम इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल, मार्केट सर्वे, ये सब भी करना पड़ता है। तो उसके बाद जो कॉस्टिंग है वो एक बनाने में काफ़ी महंगा पड़ सकता क्योंकि है, स्पेशल डिज़ाइन है, स्पेशल डिज़ाइन है। लेकिन यदि कितने लोग ये खरीद सकते हैं, बाद में इसका प्रोडक्ट यू नो मार्केट में आ सकता है, उसके हिसाब से उसके टूलिंग, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना खर्चा आएगा, इसका एक पूरा बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। फिर पैसा तो सबके पास नहीं होता है, तो आप फंड रेजिंग करना पड़ता है, यू हैव टू पिच इट टू द इन्वेस्टर्स, कुछ जगह में बैंक में जा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो अनेक रास्ते हैं। कई जगह में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ सपोर्ट देती है। तो ये सब देखते हुए आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए तैयारी हो जाती है। तो इसके बाद में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, टीम की ज़रूरत पड़ती है, उसको बिल्ड करना, फिर फाइनली वो प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। तो इट मीन्स इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन साइकिल, किसी स्टेप में भी कई बार उसमें फेल्योर की चांसेस होते हैं। लेकिन एक ही एक हमारा सुझाव हमेशा होता है कि ये जर्नी इतनी तकलीफ वाली है, तो उसमें फेल्योर होने से आप घबराए नहीं, दूसरा कुछ स्टार्ट करके दोबारा शुरू करो। तो रीडू, अनडू, देन अगेन डू। जी, इस यात्रा में जो पहला चरण में आपने जो आगे बढ़ करके, यानी कि अभी तक AICTE को एक गवर्निंग बॉडी की तरह से लिया जाता था, अब आपने जो रोल चेंज किया, फैसिलिटेशन का जो आपने काम शुरू किया, और एक जो एंड यूजर है, हमने पहले इससे बीच वाले सेगमेंट में अंत्योदय की बात कही, एंड यूजर जो लाइन की आखिर में है, वहां तक सरकार ने आगे हाथ बढ़ा करके पहुंची और ये स्मार्ट इंडिया का तो उनका प्लेटफॉर्म दिया। मुझे जहां तक जानकारी है, सभी छात्रों को TADA प्रोवाइड किया जाता है, फ्री अकोमोडेशन, फूड, लॉजिस्टिक्स सारा किया जाता है, और उनके इस कार्यक्रम के लिए पार्टिसिपेशन के क्रेडिट्स भी कॉलेज में उसमें काउंट होते हैं। यहाँ आपने हाथ पकड़ा, आगे कहाँ तक हाथ पकड़ा है? नहीं, हमारा हाथ सिर्फ शुरू के लिए नहीं है, कि जब ये हैकाथॉन में आ जाते हैं और सॉल्यूशंस दिखा देते हैं, तो वो तो ये हार्डवेयर हैकाथॉन 5 दिन का है और हमारा डिजिटल हैकाथॉन 36 घंटे का था, 1.5 दिन का। तो जो भी सॉल्यूशन उसमें से निर्माण होता है वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो एक दिशा दिखाता है कि इसमें से पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, इसमें दम है। तो ऐसा जो बोलते हैं ना, हम जब ऐसा देख जाते हैं तो उसको हम ना ही कंपटीशन के रूप में प्राइज देते हैं, लेकिन बाद में उनका हाथ पकड़ते हैं और जो हम मेंटरशिप या मार्गदर्शन कहेंगे तो उसका सिलसिला जारी होता है। और हम इनको ना उनके ही कॉलेज में, कि देश में अनेक इंक्यूबेटर्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और नीति आयोग ने फंडिंग किए हुए हैं, तो वहाँ इनके साथ लिंकेज करके देना, कनेक्ट करके देना, तो उनको वहाँ बैठने के लिए जगह मिलेगी, उसका सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, उनको कंटिन्यूस मेंटरशिप मिलेगी, मॉनिटरिंग भी होगी, तो उनको फंड ज़्यादा मिलने के लिए भी सुविधा होगी। ये सब चीज़ें धीरे धीरे शुरू होती है, तो जिससे ना ये लोग खुद के पैर पर खड़े होते हैं, लेकिन अनेक लोगों को जॉब निर्माण करके देने में भी सक्षम होते हैं। तो ये हमारा रास्ता है। तो जिनके पास में भी आइडिया है, उस आइडिया को छोटा मानने की भूल ना करें। अगर उसमें पोटेंशियल है तो भारत सरकार के तमाम विभाग हैं जो जिनके अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अपने आइडिया को एक बड़ा मूर्त रूप दे सकते हैं। डॉक्टर मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि जो 5 दिन की यात्रा है जी, इसमें किस तरह से विकास होगा? 5 दिन लगातार सिर्फ काम होगा या कुछ और मौज मस्ती भी होगी? चूँकि युवा हैं और आउटिंग का मौका मिला है, पूरब से पश्चिम गया है, उत्तर से दक्षिण गया है, पूरा भारत एक साथ मिलकर के अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, नए दोस्त बनेंगे जी, बॉन्डिंग बनेगी, तो किस तरह से 5 दिन की यात्रा है जी? पुनीत जी, मैं बताऊं, आपने एक ऐसा कह लीजिए तत् छेड़ दिया इसमें, ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है
कि कई कॉलेज के बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ना तो अपने पैसे से या वो इतने संपन्न नहीं हो पाते कि भारत देश में ही रहकर किसी दूसरे प्रांत की जानकारी, किसी दूसरे कल्चर को ऐसा कुछ समझ सके। ये हमारा एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है इस चीज़ के ऊपर। जैसे हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम कि सब आए मिले बैठे एक साथ खाए पिए, तो ऐसे हमने बहुत सारे चैनल देखे और आपको बहुत आश्चर्य होगा, रादर हमारे सभी ऑडियंस को, हमने एक छोटा सा सर्वे किया और हमने ऐसा भी पाया एक एक केंद्र पे बच्चों का अगर हम टोटल जोड़ दे तो 3-3 लाख किलोमीटर भी बन जाता है। कोई कहीं से आता है, कोई कैसे चल रहा है, उनका खाने का हिसाब, उसको उनसे बातचीत का हिसाब, जब वो जाता है कैरी करता है तो इतनी रिच हेरिटेज उसके पास जाती है, अपने होस्ट के लिए वो बहुत बड़ा ब्रांड बन के जाता है। अच्छा, रही बात आपने कही 5 दिन, अब हम 5 दिन ऐसा तो है नहीं कि आ गए और सुबह से शाम तक सिर्फ काम रात तक करेंगे, तो हमने बीच में योगा सेशंस है, सुबह उठते ही हमने बच्चों को वो दिया है, बीच में हमने बच्चों को नाचने गाने के लिए भी व्यवस्था हमने करी है, दे शुड अनवाइंड देमसेल्फ, फिर हमने कुछ कुछ उसमें लीडरशिप टॉक रखे है कि जो हमारे केंद्र हैं वो आसपास के अपने जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तित्व जो बच्चों को मोटिवेट कर सके, बच्चों का उत्साहवर्धन कर सके, उन लोगों के लिए हमने उनके टॉक्स भी बच्चों के लिए रखी हैं, फिर हमने बच्चों के लिए जुम्बा सेशंस रखे हैं और इन सब के लिए ट्रेनर्स की हमने कोशिश की। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगिंग अलग से कारा को करते हैं, वो अरेंजमेंट्स भी हमने कोशिश करी इस आयाम के थ्रू। लर्निंग और फन दोनों चीज़ों को मिला करके बहुत प्रैक्टिकल बात रखते हुए कि सिर्फ प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ किताबी बातें नहीं होनी चाहिए और सहजता से सीखें, मनोरंजन भी हो और एक एक्सकर्शन की फीलिंग आए और फिर कुछ क्रिएटिविटी ठीक से निकाल पाएं। जो पिछले वर्षों में जो भी हमने 2 साल की यात्रा में जो प्रोडक्ट्स आए जी, उनके बारे में अगर कोई केस स्टडी है, कोई सक्सेस स्टोरी है, वो आप अगर शेयर करना चाहें। जी, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा और ये माध्यम बहुत उचित माध्यम है जिससे बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं। मुनि जी, एक हमारे पास वाक्या था, एक टीम थी केरला की, वो अपना प्रोजेक्ट उन्होंने बताया, उनके आज के तरीक में देखिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा, ये सब तो हम गाँव-गाँव में पहुँचा पाए, कई कई जगह ऐसा भी है जहाँ स्वच्छ पानी पीने का जो है पेयजल, उसके लिए उन बच्चों ने क्या किया, एक मोबाइल ऐप बनाया और GPS ट्रैकर लगा दिया पानी के टैंकर में और उस टैंकर के अंदर सेंसर लगा दिए कि अब पानी की प्योरिटी कितनी है और पानी कहीं लीक होता है या ड्राइवर रास्ते में कहीं रोकता है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पास है और जो बुला रहा है टैंकर उसके पास भी है और कितना प्योरिटी लेवल है वो भी चलता है, तो एंड यूजर के पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक आया, सरल एकदम सरल तरीका, बिल्कुल सोल्यूशन दिया उन्होंने। अच्छा, आज एक और बड़ा अच्छा सोल्यूशन है और ये मैं वो सोल्यूशन बता रहा हूँ जो ऑलरेडी इंक्यूबेशन सेंटर में चल रहे हैं, बहुत जल्दी आप देखेंगे। हमारे पास बोन कंडक्शन वाले हेडफोन्स है, अभी हम बाहर से मंगाते हैं या चल रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही सस्ते में, तो जो हमारे दिव्यांगजन है, बधिर है, जिनको दिक्कत है, तो वो बोन कंडक्शन लोकली मेड लगा के सस्ते में करके सुन पाएंगे। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, दोनों बातें इसमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं। जी जी, प्रोफेसर सहस्रबुद्धे, इन 5 दिनों में जो प्रतिभागी हैं और जो आने वाले प्रतिभागी हैं हमारे दूरदर्शन के माध्यम से जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए आप महत्वपूर्ण बात क्या कहना चाहेंगे? जो प्रतिभागी इस साल आए हैं तो उनके लिए तो है कि 5 दिन आपके ये स्वर्ण युग में रखने वाले दिन है, क्योंकि यहाँ आपको अनेक जगह से आए हुए दोस्त मिलेंगे, उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, उनके जगह की समस्या अपनी जगह की समस्या शेयर कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस और आपके सॉल्यूशंस के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, और आगे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनके टीम नहीं है तो दूसरे टीम के मेंबर के साथ स्टार्टअप भी हो सकता है, तो ये सब सुविधा इसमें से निकल सकती है, तो इसलिए आप जो 5 दिन आपको मिले हैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, एक बात होगी। दूसरी बात है कि ये करते समय बहुत कष्ट होंगे, आपको नींद कम मिलेगी, उसके बावजूद जो आप कष्ट कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, तो आपके ऊपर हम उम्मीदें काफ़ी टिकी हुई हैं, क्योंकि ये आप चुने हुए हैं। हमने जैसे कहा कि 11,000 जब एंट्रीज आती है उसमें से करते करते सिर्फ 250 को हम आ रहे, तो आप क्रीम ऑफ द क्रीम है, तो इसलिए आपके पास हमारी उम्मीदें बहुत जागृत हो गई है और दे शुड फील प्राउड दैट दे आर बेस्ट ऑफ दैट, यू आर द बेस्ट ऑफ द लॉट। और जब वहाँ गए हैं तो दूसरी एक चीज़ है
कि इस बार हमने जो सेंटर्स इस हार्डवेयर हैकाथॉन के लिए चुने हैं, ये सब IITs, NITs और सम वेरी एक्सेलेंट इनक्यूबेटर्स की जगह में हैं, जहां फैसिलिटीज़ बहुत ही बेहतरीन हैं। तो आपको ना ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद मिलेगी, लेकिन वो देखने के बाद ये भी हो सकता है कि कई लोग यहाँ मास्टर्स या PhD करने के लिए आके और भी अच्छा काम कुछ करने की सोच और बड़ा कर सकते और बढ़ा कर सकते हैं। तो ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरा यही कहना है कि कष्ट करते रहो और पसीने के बाद में जो फल अपने आप आते रहेगा। और जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या संदेश है? आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये है कि AICTE की तरफ से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो जरूर देते रहे हैं, लेकिन इस साल भी हमारे पास स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने अपनी तरफ से प्रॉब्लम दिए थे। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम दिए हुए प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर हैकाथॉन नहीं है, आपके भी कुछ प्रॉब्लम्स आप सामने लेके आओ। ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भगवान ने हमको जो 5 senses दिए हैं, वो 5 senses को हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो आँखों से कुछ दिखते रहेगा, सुनते रहेंगे और नाक से भी आप सूंघते रहेंगे। तो ये सब में जब आप कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है तो तुरंत उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका। चलते चलते आखिरी सवाल, आप टीचर्स के भी टीचर्स हैं, पता नहीं आपने कितने सारे सैकड़ों टीचर्स का निर्माण किया है। हमारा फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है घर, और शिक्षा के जो मायने पेरेंट्स लेते हैं, 30 सेकंड में जानना चाहेंगे उनके लिए क्या संदेश है पेरेंट्स, 30 सेकंड में? मेरा यही कहना है पेरेंट्स को कि छात्रों के ऊपर यानी अपने चिल्ड्रन के ऊपर कोई थोपो मत, उनका इनोवेटिव इंक्विजिटिव स्पिरिट को जगाते रहो जी। जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसको दबा दो मत, उसको आंसर देते रहो। यदि आपको उसका आंसर पता नहीं है तो दूसरों से लेकर उसको पढ़ाओ, और मेरे ख्याल से हमको इनोवेटिव बेंट ऑफ माइंड बचपन से डेवलप करने से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ये बच्चे जब आएंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल हो और समाज में एक इनोवेशन की संस्कृति का निर्माण हो संस्कृति का निर्माण होगा। प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे, आपने बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक इश्यूज पर हमारे साथ जानकारी शेयर की हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं कि इस बार जो सफल आयोजन हो रहा है हैकाथॉन का वो सफल रहे। डॉक्टर मोहित, आपकी टीम लगातार मैं देख रहा हूँ 2 महीने से काम कर रही है, एक एक बच्चे से जुड़ करके काम कर रही है, पूरी टीम को साधुवाद। और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे सॉल्यूशंस हम लोग समाज के लिए और देश निर्माण के लिए लेकर आ पाएंगे। किताबें हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, रोज़ पढ़ने का आदत डाल लीजिए।